वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 30 जून और 30 जून की करंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपके लिए करंट अफेयर की क्विज का एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे घोषित किया गया है? तो हाल ही में रानी रामपाल को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान घोषित किया गया है। तो जो फॉरवर्ड खेलती हैं रानी रामपाल, उनको अगले महीने यानी कि जुलाई 2018 में, ठीक है, जुलाई 2018 में लंदन में होने वाली महिला हॉकी विश्व कप के लिए भारत की 18 सदस्यीय टीम की कप्तान के रूप में उनको नामित किया गया है। ठीक है, तो इस टूर्नामेंट में भारत की 18 सदस्यीय टीम वहां पर खेलने के लिए जाएगी। ठीक है, तो भारत को मेजबान मतलब इंग्लैंड, ठीक है, और विश्व नंबर दो में जो नंबर दो की टीम है इंग्लैंड, और विश्व नंबर 7 यूएसए और विश्व नंबर 16 आयरलैंड के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। ठीक है, ग्रुप बी में भारत के मैच होंगे और भारत की जो गोलकीपर हैं सविता, ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन बी में लिखी हुई है गोलकीपर सविता, उनको उपकप्तान घोषित किया गया है। ठीक है, तो जबकि कप्तान के रूप में रानी रामपाल को घोषित किया गया है। यहाँ पर रानी रामपाल की आप इमेज देख सकते हैं। और रानी रामपाल के बारे में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, उनको हॉकी की रानी कहा जाता है। और रानी रामपाल सन 2010 के विश्व कप में भाग लेने वाली सबसे युवा महिला खिलाड़ी थी जब उनकी उम्र 15 वर्ष थी। ठीक है, और जूनियर हॉकी विश्व कप 2013 में, ठीक है, जूनियर हॉकी विश्व कप 2013 में उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून पर मनाया गया। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को हाल ही में मनाया गया है। तो सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने की आंकड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 29 जून को हर साल राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस केवल और केवल भारत में मनाया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष के यानी वर्ष 2018 के सांख्यिकी दिवस के लिए जो चयनित विषय है यानी कि जो थीम है वो यहाँ पर देखिए लिखी हुई है बॉक्स में, क्वालिटी एश्योरेंस इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी थीम लिखी हुई है आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है इसको दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, जो कि यहाँ पर इमेज में आपके दिख रहे हैं, पीसी महालनोबिस के योगदान को याद करना और उन्हें श्रद्धांजलि देना। ठीक है, और इसी अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति ने इनके सम्मान में 125 रुपये का एक सिक्का भी जारी किया है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ हाल ही में पैसेज 2018 सैन्याभ्यास किया है? तो देखिए, हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया की नौसेना के साथ हाल ही में पैसेज 2018 सैन्याभ्यास किया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में भारत की नौसेना की जहाजों ने, जो कि INS शक्ति और INS कमोरता ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के साथ जो वहाँ के इंडोनेशिया के जहाज हैं उनके साथ एक संयुक्त सैन्याभ्यास किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ था उनमें रक्षा समझौता भी शामिल था, तो इसकी वजह से यहाँ पर दोनों देशों के बीच एक सैन्याभ्यास आयोजित किया गया। तो अब यहाँ पर इंडोनेशिया की बात आई है तो आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और वहाँ की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है और वहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में इतनी जानकारी मिल जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए भारत के इस समय एडमिरल कौन है? तो भारत के इस समय एडमिरल सुनील लांबा हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राजनाथ सिंह ने गृहमंत्री के विशेष ऑपरेशन पदक के तहत कितने पदक स्थापित किए? तो देखिए, हाल ही में भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गृहमंत्री के विशेष ऑपरेशन पदक के तहत कुल तीन पदक स्थापित किए हैं और तीन पदकों के नाम है, पहला है आंतरिक सुरक्षा पदक, दूसरा है असाधारण
अशुचान पदक और तीसरा है उत्कृष्ट अति सेवा पदक। तो ये तीन तरह के पदक प्रदान किए जाएंगे, वो अलग अलग कैटेगरी के होंगे, अलग अलग प्रदर्शन के कारण, अलग अलग योगदान की वजह से जो सैनिकों को दिए जाएंगे। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस संगठनों, ठीक है, जो सीपीओ होते हैं, और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ होते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रकार के जो है पुरस्कारों की हाल ही में घोषणा की है और पदकों की घोषणा की है। तो गृह मंत्रालय की स्पेशल ऑपरेशन पदक और साधारण आशोचन पदक को 15 अगस्त को उनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, 15 अगस्त को, और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को आंतरिक सुरक्षा पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक की घोषणा हर वर्ष किया जाया करेगी। ठीक है, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी इन पदकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होंगे। ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, किस मंत्री ने हाल ही में मोबाइल ऐप रीयूनाइट लॉन्च किया है? तो देखिए, हाल ही में भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने हाल ही में एक लॉन्च ये ऐप्स लॉन्च किया है जिसका नाम है रीयूनाइट। ठीक है, और इसका क्या क्या काम होगा ये आपको ध्यान रखना होगा। तो रीयूनाइट नामक एक जो मोबाइल एप्लीकेशन होगा, उसी उसकी सहायता से जो भारत में लापता और परित्यक्त बच्चे हैं, ठीक है, यानी कि जो लापता बच्चे हैं और जो जो छोड़ दिए गए बच्चे हैं, उनको ट्रैक पर लाने में और ढूंढने में मदद करेगा। यानी ये इस ऐप्स की सहायता से लापता बच्चों को ढूंढा जाएगा और उन्हें एक सही दिशा दी जाएगी। ठीक है, और ऐप एक तरह से बहुउद्देशीय है जिसमें माता पिता और नागरिक बच्चों की तस्वीरें अपलोड करी जा सकती हैं। इसमें नाम, जन्म चिन्ह, पता, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट, लापता बच्चों की खोज पहचान, इन सारी चीज़ों की इस ऐप्स पर डिटेल मिल सकती है। और ये जो ऐप्स लॉन्च किया गया है ये एंड्रॉयड और iOS दोनों वर्जन में उपलब्ध है। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। तो हाल ही में सुरेश प्रभु ने मोबाइल ऐप रीयूनाइट लॉन्च किया है, और किस लिए लॉन्च किया है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, मैंने आपको बता दी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चौथी राष्ट्रीय परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो देखिए, हाल ही में नई दिल्ली में, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में चौथी राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित की गई। तो केंद्रीय उपभोक्ता और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान, जो कि इमेज में आप देख सकते हैं, तो रामविलास पासवान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों की चौथी राष्ट्रीय परामर्श बैठक की हाल ही में अध्यक्षता की है। ठीक है, और बैठक का क्या उद्देश्य रहा है, इसमें ये उद्देश्य रहा है कि उपयुक्त नीति के तहत आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की गई। यानी कि जो खाद्यान्न है उस क्षेत्र में कोई भी महंगाई ना बढ़े, कीमतों को स्थिर रखा जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही साथ महत्वपूर्ण कृषि बागवानी वस्तुओं में भी मुद्रा स्फीति की समस्या से निपटने के लिए चर्चा की गई। तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य को, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाए, सी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य को मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मध्य प्रदेश को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृ मृत्यु दर कम करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। तो भारतीय रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट जो वर्ष 2014 से 16 तक की बनाई गई है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश की मातृ मृत्यु दर में 48 पॉइंट की गिरावट आई है, यानी कि 48 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और कुल पॉइंट प्रतिशत की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य में 22% मात्र मृत्यु दर में कमी आई है। यानी कि जो बच्चे का जब जन्म होता है तो अधिकतर महिलाओं की मृत्यु हो जाती है यदि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है तो, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य ने इस क्षेत्र में काफी सुधार किया है और 22% की एक तरह से इस क्षेत्र में गिरावट दर्ज की है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का सुरक्षित मातृत्व अभियान देश की 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पहले उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल सुनिश्चित करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया और इसके तहत कई राज्यों में सुधार हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने उद्योग संगम 2018 का उद्घाटन किया? ठीक है, तो देखिए, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्योग संगम 2018 का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये उद्घाटन 28 जून को किया गया है। ठीक है, और इस मौके पर राष्ट्रपति ने सौर चरखा मिशन,
ठीक है, और MSME संपर्क पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं, लघु उद्योग है, इसके क्षेत्र में काफ़ी काम किया गया, और जिससे कि जो पिछड़े इलाके हैं, गांव इलाके हैं, इनमें अधिक रोजगार पैदा हो सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 6 अप्रैल 2017 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 27 जून को सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार की उद्यम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। तो हाल ही में 27 जून को वो दिवस मनाया भी गया है। तो इसी क्रम में उद्योग संगम 2018 का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किया है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सबसे खराब मानव तस्करी देश के रूप में घोषित किया गया, यानी कि मनुष्य की तस्करी होती है, अवैध व्यापार, मानव का अवैध व्यापार, ठीक है, तो कौन से देश को इसमें पहले स्थान पर रखा गया है? तो देखिए, उत्तर कोरिया देश को सबसे खराब मानव तस्करी देश के रूप में घोषित किया गया है। तो उत्तर कोरिया को लगातार 16 वर्ष के लिए सबसे खराब मानव तस्करी देशों के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि लगातार 16 वर्ष के से उत्तर कोरिया इसमें पहले स्थान पर बना हुआ है। इससे पता चलता है कि उत्तर कोरिया में मनुष्य की, यानी कि मानव की, बहुत एक बड़े लेवल पर तस्करी होती है। ठीक है, तो उत्तर कोरिया ने जो सरकारी कार्यों के साथ साथ अन्य अवैध गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए राष्ट्र प्रायोजित जबरन श्रम का उपयोग किया, क्योंकि वहां जो उत्तर कोरिया देश है, वो देश के द्वारा ही वहां पर जबरन श्रम करवाया जाता है। उत्तर कोरिया सरकार ने जेल शिविरों में, श्रम प्रशिक्षण केंद्रों में जबरन प्रयोग वहां पर जारी रखा है। ठीक है, छात्रों से भी जबरन मजदूरी ली जाती है, तो इसकी वजह से वहां पर मानव तस्करी बहुत ही बड़े लेवल पर है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर उत्तर कोरिया की बात की गई, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, और वहाँ की मुद्रा उत्तर कोरियाई योन है। ठीक है, और वहाँ के जो सर्वोच्च नेता है वो यहाँ पर इमेज में दिख रही है, ठीक है, किम जोंग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारत की धावक दुती चंद ने महिलाओं की कितने मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए, भारत की महिला दुती चंद ने महिलाओं की 100 मीटर रेस में हाल ही में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो उन्होंने गुवाहाटी यानी कि असम में 58वीं, ठीक है, 58th, 58वीं राष्ट्रीय अंतरराज्य वरिष्ठ एथलेटिक्स चैंपियन में 11.29, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे, 11.29 सेकेंड में 100 मीटर की रेस पूरी की है। किसने पूरी की है? दुती चंद ने। ठीक है, और इनका जो पिछला रिकॉर्ड था वो था 11.30 सेकेंड का जो रिकॉर्ड था वो भू दुती के नाम ही था। ठीक है, और उन्होंने 2017 में इसे हासिल किया था, और अब उन्होंने 11.29 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाकर 100 मीटर की दौड़ को एक तरह से बड़े अंजाम तक पहुंचाया है, और उन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर के एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत की धावक दुती चंद ने 100 मीटर की दौड़ में 11.29 सेकेंड का समय निकालकर एक भारत का रिकॉर्ड बनाया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस मंत्रालय ने टैक्थॉन नामक पोषण अभियान शुरू किया है? तो देखिए, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में टैक्थॉन नामक पोषण अभियान शुरू किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपनी प्रमुख सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में टैक्थॉन एक पोषण अभियान शुरू किया है। तो इसके माध्यम से पोषण का एक बड़े लेवल पर विस्तार किया जाएगा। ठीक है, और एक 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 दिवसीय सेमिनार भी देश लेवल पर आयोजित किया गया, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को, ठीक है, 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान शुरू किया था। ठीक है, और ये उसी योजना के तहत एक टैक्थॉन पोषण है। ठीक है, और वर्तमान में बात करें कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है, तो श्रीमती मेनका गांधी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, यहाँ पर उनकी आप इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसने SBI के MD पद से इस्तीफा दे दिया है? तो SBI के जो प्रबंध निदेशक बी श्रीराम ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पर SBI की, तो SBI के वर्तमान में अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। ठीक है, रजनीश कुमार, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहे आपके 12 प्रश्न, और आप देखते हैं कल की कुछ का उत्तर। तो देखिए, कल आपसे पूछा गया था फेमिना मिस इंडिया 2018 कौन बनी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और आप में अधिकतर लोगों ने सही उत्तर दिया। इसका आंसर है अनुकृति वास। और आज की कुछ का सवाल है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर हो गया है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है,
अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारी हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है, जो कि पार्ट 5 है, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पूरा एक तरह से टॉपिक कवर किया गया है, तो आप उसको यहाँ पर इंड स्क्रीन में दिख रही होगी, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हिस्ट्री का पार्ट 5 जरूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।